नमस्कार, एजुसेट टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर। ये हमारा अकाउंटेंसी में पहला दिन है। आज हम अकाउंटेंसी की नीड्स, मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, फंक्शंस, लिमिटेशंस, बुककीपिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यूजेस, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अकाउंटेंसी की नीड और मीनिंग से। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अकाउंटिंग की हमें जरूरत क्या है, क्यों हम खाते बनाते हैं। तो पहली बात इसमें आती है लिमिटेड मेमोरी। जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं और उन सभी लेन देन को याद रखना संभव नहीं हो पाता, इसलिए हम इनके खाते बनाते हैं और अकाउंटिंग करते हैं, यानी इन लेन देनों को लिखते हैं। दूसरी बात आती है ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के लेन देन होने के बाद में बिजनेस की क्या पोजिशन बनती है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, कितना किससे लेना है, कितना किसको देना है, उसकी सही सही तस्वीर जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ये मुख्य रूप से दो हमारी ज़रूरतें हैं अकाउंटिंग की। अब आते हैं हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन के ऊपर कि अकाउंटिंग आखिरकार है क्या। इन 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स यानी AICPA हैड डिफाइंड अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। यानी इस परिभाषा में अकाउंटिंग की सारी करेक्टरिस्टिक्स हमारी समाई हुई हैं। तो अगर साधारण शब्दों में हम कहें तो जो अकाउंटिंग है, ये रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मनी के रूप में यानी पैसे के रूप में रिकॉर्ड करने की कला है, और ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि कम से कम चाहे पार्टली हो वो फाइनेंशियल करेक्टर की हो। दूसरा, इनको अब जो हमारे लेन देन हैं, जो इन ट्रांजेक्शन को हमने लिखा है, इनको इंटरप्रेट करना और इनके रिजल्ट के ऊपर विस्तार से चर्चा करना, ये हमारा क्या आता है, ये अकाउंटिंग के अंदर शामिल होते हैं। अब हम करते हैं अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, बुककीपिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और अकाउंटिंग के फंक्शंस। तो चलिए सबसे शुरुआत करते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स से। आर्ट एंड साइंस, यानी जो अकाउंटेंसी है या अकाउंटिंग है, ये हमारी आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट का मतलब होता है जिसमें अभ्यास के द्वारा हम सुधार कर सकते हैं, और साइंस का मतलब जिसके कुछ रूल रेगुलेशन हो, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स हों। तो अकाउंटिंग में दोनों चीज़ समाई हुई हैं कि इनकी प्रैक्टिस के साथ में हम इसको और बेहतर ढंग से प्रस्तुत भी कर सकते हैं, और इसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं जिन आधार पर हम अकाउंटिंग करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हमें पहचानना कि ये बिजनेस से रिलेटेड हैं या नहीं है। कोई पर्सनल अगर ट्रांजेक्शन है तो हमारे पर्सनल कोई लेन देन है तो उनको हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन में नहीं लिखते। अकाउंटिंग में हम केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। मेजर इन मनी, इसके बाद में जब हम पहचान हो जाती है कि बिजनेस का ट्रांजेक्शन है तो फिर उसको मनी में देखते हैं, मनी में नापते हैं उसे, भाई कितने रुपए का यह हमारा ट्रांजेक्शन है। अब ये जब रुपए की हमें पता लग जाते हैं कितने रुपए का है, तो रिकॉर्डिंग इन जर्नल, फिर इसको जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं। अब जर्नल क्या है ये हम अगले चैप्टर्स में जब आएंगे तब इसको विस्तार से हम और पढ़ेंगे। इसके बाद फिर क्लासिफाइंग इन लेजर, फिर लेजर में इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन, अब लेजर क्या, लेजर तो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन क्लासिफाइंग का तो आप अर्थ समझते ही होंगे। जैसे मान लीजिए एक स्कूल के अंदर हमारे 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों हमने क्लासिफाई किया हुआ है, अलग अलग क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, तो ये सारी चीज़ हमारी क्लासिफिकेशन होता है। ऐसे ही जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उनका भी हम क्लासिफाइंग करते हैं। आगे समराइजिंग, अब समराइजिंग में भी एक एक अब सारी ट्रांजेक्शन को लिखने के बाद में उनको समरी उनकी तैयार करते हैं जिससे उनके बारे में हम सही डिसीजन कोई ले सके, जिससे वो हमें वो कुछ अच्छी तरीके से उनके बारे में पता लग सके। जैसे स्कूल में हमने रिजल्ट आया, अब रिजल्ट में पहले तो हमने सारे एक एक बच्चे का रिजल्ट तैयार किया,
फिर उसके बाद में समरी तैयार की। अब भाई हमारे 50% तक के कितने बच्चे हैं, 50 से लेकर के 75% तक के कितने बच्चे हैं, 75 से लेकर के 90 तक के कितने बच्चे हैं, 90 से ऊपर के कितने बच्चे हैं। तो ये हमने क्या एक समरी तैयार कर ली, जिससे हमारे कुछ डिसीजन हम ले पाते हैं, जिससे कुछ तस्वीर हमारी स्पष्ट होती है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइज। इंटरप्रिटेशन का मतलब इनके बाद में जो ट्रांजेक्शन लिखने के बाद में उनसे हम प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं और उससे फाइनेंशियल पोजीशन को हम पता लगाते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फिर इन्हीं जो जो अकाउंट इसके लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाएगा, बैलेंस शीट तैयार की जाएगी, फिर इन सूचनाओं को हम आगे यूजर्स को दे देते हैं, जो हमारे इसको इस्तेमाल करने वाले होते हैं, सूचनाओं को उनको हम कम्युनिकेट कर देते हैं, उन तक ये पहुंचा देते हैं। अब यूजर्स कौन होते हैं भाई, इसके मालिक हैं, मैनेजर है, गवर्नमेंट है, और इनके बारे में विस्तार से आगे भी हम अभी पढ़ेंगे। अब ये तो होगी हमारी करैक्टरिस्टिक्स, लेकिन अब दूसरी बात आती है प्रोसेस की। तो प्रोसेस में भी हमारे यही पॉइंट है, इनमें से कि आर्ट एंड साइंस को हम छोड़ देते हैं, बाकी जो पॉइंट है हमारी ये आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, मेजर इन मनी, रिकॉर्डिंग जर्नल और क्लासिफाइंग इन लेजर, समराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस और कम्युनिकेशन, ये सारे हमारे प्रोसेस के अंदर आते हैं। यानी करैक्टरिस्टिक्स में से अगर आर्ट एंड साइंस को हम हटा दें तो बाकी सारे पॉइंट हमारे प्रोसेस के हैं। अब एक शब्द और आता है, कई बार पूछते थे बुककीपिंग। अभी बुककीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग तो चलो समझ में आ गई, लेकिन बुककीपिंग क्या है? तो बुककीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है। अगर हम इसमें पॉइंट्स देखें तो IMRC यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मेजर इन मनी, रिकॉर्डिंग इन जर्नल एंड क्लासिफाइंग इन लेजर, जो ये चार बातें हैं ये हमारी बुककीपिंग कहलाती हैं। अब इसके आगे के जो ट्रायल बैलेंस तैयार करने हैं, खाते बनाने हैं, उनके ऊपर डिसीजन लेना, ये सारे हमारे अकाउंटिंग में आते हैं, लेकिन ये IMRC केवल ये जो चार बातें हैं ये हमारे बुककीपिंग में आती हैं। और बुककीपिंग क्या है कि इसके लिए एक जूनियर स्टाफ की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो जो CA वगैरह जैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े अकाउंटेंट की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, जूनियर स्टाफ बुककीपिंग का कार्य कर लेता, उनका काम केवल लिखने तक मात्र होता है। तो ये हो जाते हैं हमारे करैक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस और बुककीपिंग। अब इन्हें समझने के बाद में अब अगली बारी आती है कि इनका हमें फायदा क्या है, अकाउंटिंग का हमारा फायदा क्या है, कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों करते हैं हम ये अकाउंटिंग, और इसके कार्य क्या है, इसमें हम क्या क्या कार्य करते हैं अकाउंटिंग में। तो इन चीज़ों को भी, चाहे कोई पॉइंट आपको पूछा जाए, आप इनके ऑब्जेक्टिव का पूछा जाए या एडवांटेज पूछा जाए या फंक्शंस पूछे, आपको यही 5 पॉइंट लिखने हैं। अब इनको याद रखने के लिए आप इनके जो पहले अक्षर हैं उनको याद रख सकते हैं, जैसे हमने करैक्टरिस्टिक्स की थी तो इनमें आपने अगर AIMRCSIC इन अक्षर को अगर याद कर लेते करैक्टरिस्टिक्स याद हो जाती हैं, और A को हटा देते IMRCSIC ये हमारी क्या प्रोसेस रह जाती है, और इसी में से अगर IMRC को याद कर लेते ये हमारी क्या बुककीपिंग बन जाती है। उसी तरह से KCADP इसको अगर हम याद कर लेते हैं, हमारे एडवांटेज और ये ऑब्जेक्टिव हैं, फंक्शन ये याद हो जाते हैं। तो के से हमारा क्या बनता है, कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, यानी हमें अकाउंटिंग में अपने रिकॉर्ड को सिस्टमेटिक ढंग से रखना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हम सूचना ढूंढ रहे तो फिर सारी किताबों को उसमें देखें, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो फटाफट से हमें मिल जाए। तो ये जो कार्य है हमारा, कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। दूसरा है कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब जब बिजनेस करते हैं, उनको लेन देन को भी हमने लिखा है, तो उसके पीछे मकसद क्या है, हम प्रॉफिट जानना चाहते हैं। हर आदमी, बिजनेस जो करने वाला आदमी है, सभी ये जानना चाहते हैं कि हमें बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है साल के एंड में, ये हर आदमी जानता है। तो ये अकाउंटिंग के द्वारा हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। अगला है असर्टेन फाइनेंशियल पोजिशन। अब हमारी जो फाइनेंशियल हालात कैसी है, हमारे पास कुछ पैसा है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हम ज़्यादा किसी के कर्ज के नीचे दब चुके हैं, तो वो फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है हमारी, साउंड है या कमज़ोर है, तो वो भी हम क्या इन अकाउंटिंग के द्वारा ही पता लगाते हैं। नेक्स्ट, डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। अगर कोई फ्रॉड किया है या कोई उस गलती रह गई, वो भी हमारे अकाउंटिंग में हमारी पता लग जाते हैं, क्योंकि हम हर लेन देन को लिख लेते हैं। अब हर लेन देन को लिख लेते हैं तो फिर गलती कोई गुंजाइश रहेगी नहीं, और गलती अगर कोई होगी भी तो वो पकड़ में आ जाती है। और नेक्स्ट है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, यानी जो हमने कम्युनिकेशन वाला जो पॉइंट पढ़ा था ये करैक्टरिस्टिक्स में, तो अब यहाँ पर ये क्या है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स को हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये पॉइंट हमारे मिले जुले से हैं। तो ये हमारे 5 पॉइंट है, आपको एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस में ये आपको याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं, अब हमने अकाउंटिंग के फायदे तो पढ़ लिए, तो क्या फायदे ही फायदे हैं बस अकाउंटिंग के, कोई इसका कोई नुकसान कोई नहीं है, कोई इसकी कोई कमी कोई नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जिसके केवल फायदे होते हैं उसके कुछ माइनस भी होते हैं, कुछ उसकी कमियां भी होती हैं।
अब इसमें कमी क्या है अकाउंटिंग की, इन्फ्लुएंस्ड, यानी जो अकाउंटेंट होता है वो इसको अपने तोड़ मरोड़ करके इनको पेश कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, सही नियमों के अनुसार करने के बजाय कुछ उसमें हेरा फेरी कर सकते हैं। और अगला है इसका इनकम्प्लीट, यानी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ये सारी चीज़ों की इससे हमें पता नहीं लगती है, केवल फाइनेंशियल के पोजिशन के बारे में पता लगेंगे लगा पाते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमें इसे नहीं मिल पाती। अगली बात आती है हमारी इग्नोर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशंस। अब अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशंस नहीं लिखी जाती। क्वालिटेटिव कैसे, कि एक बहुत अच्छा मैनेजर आ गया मान लीजिए कंपनी में, अब कंपनी मैनेजर बहुत अच्छा आया तो उसकी वजह से क्या कंपनी ग्रो करने लगी, कंपनी का बहुत डेवलपमेंट हुआ, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुए, तो लेकिन उस मैनेजर को आने को हम अकाउंटिंग में नहीं लिख सकते कि इसके मैनेजर आया और हमें कितने का फायदा हो गया, तो उस फायदे को हम नहीं जान सकते। और या कोई मतलब ऐसा कर्मचारी आ गया जो कि आपस में लड़ता झगड़ता ही रहता है, तो उससे क्या हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है, उससे हमारी हानि हो रही है, तो उस बात को भी हम इसमें नहीं लिखेंगे, जबकि इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी बिजनेस को चलाने में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या है कि अच्छी अच्छी बातों को तो दिखा दो और जो कमी की बात है उन्हें छुपा लो, तो ये हमारी विंडो ड्रेसिंग कहलाती है। तो जो अकाउंटेंट होते हैं आगे चलकर क्या करते हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट कम है उसको कहीं ज़्यादा दिखा देते हैं लोगों को दिखाने के लिए, कई बार टैक्स को बचाने के लिए प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसको कम करके दिखा देते हैं, सेल हमारी ज़्यादा हुई है लेकिन उसको थोड़ा कम करके दिखा देते हैं, तो ऐसे विंडो ड्रेसिंग में बिजनेस की जो अच्छी अच्छी तस्वीर पेश कर देते हैं उसको और जो उसकी कमियां होती हैं उन्हें छुपा जाते हैं। तो ये बड़े बड़े अकाउंटेंट जो सी होते हैं वो आमतौर पर ऐसा कार्य कर सकते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट आती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है कि जितने में हमने कोई चीज़ खरीदी है उतने में उसे हम लिख देते हैं, अब इसके बाद में उसकी कीमत बढ़ जाती है या घट जाती है उसको इसके उतार चढ़ावों को हम नहीं लिखते, जबकि इससे बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि हमने एक प्लॉट है मान लीजिए 20 लाख रुपये में खरीदा, 5 साल में उसकी कीमत बढ़ करके 1 करोड़ होगी, अब हमें तो 80 लाख रुपए सीधा सीधा फायदा हो गया इसमें, लेकिन उसको हम अकाउंटिंग में नहीं लिखते, कीमत बढ़ने को इसमें नहीं लिखा जाएगा, तब तक उसे नहीं बेचा जाएगा तब तक उस प्रॉफिट को हम उसमें बताएंगे नहीं। और बैलेंस शीट में भी इस जो प्लॉट की जो कीमत है, जो बिल्डिंग की जो कीमत है या जो हमारी लैंड की जो कीमत है वो हम 20 लाख रुपीज़ ही लिखते रहेंगे, उसे 1 करोड़ रुपीज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 20 लाख रुपीज़ में खरीदा है। तो ये इसकी बहुत बड़ी कमी है कि इसमें जो असली जो कीमत है वो नहीं लिखी जाती, उनका जो प्राइस है, बल्कि जितने हम खरीदा होता केवल उतनी चीज़ हम लिखते हैं। अब बात आती है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स की, यानी इसकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक ध्यान रखना, एक करेक्टरिस्टिक्स वो अलग चीज़ थी, यानी अकाउंटिंग क्या है वो तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी, अब ये क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अब जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, भाई स्टूडेंट्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, साफ सफाई वाला होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, ये उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो ऐसी अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है इनकी क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, सबसे पहली है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब उसके ऊपर भरोसा किया जा सके, ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो जिनमें डाउट की कोई शक की कोई गुंजाइश ना हो। रिलीवेंस, रिलीवेंस का मतलब जो चीज़ जरूरी बात है वही चीज़ उसमें लिखी जाए, फालतू की बातें ना लिखी जाए। जैसे कि हमें कहीं जाना है और किसी से मान लो रास्ता पूछें, अगर भाई दिल्ली का रास्ता किधर से दिल्ली जाना हमें बताइए कोई रास्ता, अब सामने वाले दिल्ली का सीधा सीधा रास्ता जवाब तो दे नहीं, बल्कि उसमें कहने लगे अगर जी देखो दिल्ली में तो बहुत अच्छा सामान मिलता है, दिल्ली में तो बहुत अच्छी सरकार है, दिल्ली के बाजार बहुत अच्छे हैं, अब उन बातों को बता, अरे भैया उससे रास्ता पूछा, सीधे रास्ता बता दो, इरिलेवेंट बात है क्यों बता रहे हो। तो इसी तरह से अकाउंटिंग में भी जो रिलेवेंट चीज़ें होती हैं वही चीज़ लिखी जाती है, फालतू फंड की उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। अगली बात है कंपेरेटिबिलिटी, जो जो बिजनेस की जो अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे कंपेरेटिबिलिटी उनमें होनी चाहिए, यानी उनको कंपेयर किया जा सके, इस तरह से इन्फॉर्मेशन हो। तो ये कंपेयर कब किया जाएगा, जब एक जैसी पॉलिसीज उसमें अपनाई जाएंगी, यानी एक बार बार उन पॉलिसीज में चेंज करेंगे तो फिर उसमें कंपेरिजन करना मुश्किल होता है, तो इसमें कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। तीसरी अगली बात है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि समझ में आनी चाहिए। अब मान लो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह से दे दिए कि उनसे पता ही नहीं लग रहा, ना प्रॉफिट का पता लग रहा, ना लॉस का पता लग रहा, ना फाइनेंशियल पोजिशन का पता लग रहा, तो ये क्या है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए, जो कि देखते ही तुरंत उसमें समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट आता है हमारे ट्रू एंड फेयर व्यू, जो बिजनेस का जो आर्थिक पोजीशन है या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है या हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रू एंड फेयर हो, वो बिल्कुल सच्चा हो, तो ये हमारे क्या है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। अब हम आगे देखते हैं
यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पहले हमने पढ़ा था ना कि भाई कम्युनिकेट टू द यूजर्स, कि यूजर्स को जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे देना। तो यूजर्स कौन कौन होते हैं? तो यूजर्स को अब यहाँ पर दो भागों में बांट गया है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर जो बिजनेस के अंदर बैठे होते हैं वो इंटरनल यूजर्स हैं, जिनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तक सीधी पहुँच होती है। इनमें क्या है, मालिक, जो मालिक है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसको जरूरत पड़ती है। दूसरा क्या, मैनेजर्स, मैनेजर्स को डिसीजन लेने होते हैं, बिजनेस चलाना होता है उनको, व्यवसाय, तो उसके बारे में डिसीजन लेने होता है तो उन्हें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ती है। अकाउंटेंट्स हैं, इससे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, सारे लेन देन, तो वो भी हमारे क्या है, यूजर्स होते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। दूसरा एक्सटर्नल यूजर, जो हमारे बिजनेस के अंदर तो नहीं होते लेकिन वो भी हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको यूज करते हैं। तो उनमें कौन कौन से होते हैं, इन्वेस्टर्स, न्यू इन्वेस्टर, जो पुराने इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्ट कर चुके होते हैं तो वो तो मालिक बन जाते हैं, लेकिन जो जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं अभी, तो वो क्या है, न्यू इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो वो भी इन्फॉर्मेशन के इस्तेमाल करते हैं, वो यूज़ करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। वो हमारे जब तक बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस को, हमारी फाइनेंशियल पोजिशन को नहीं जान लेते हैं किसी बिजनेस की, तब तक उसमें पैसा नहीं लगाते हैं। इसी तरह से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। अब कोई भी आदमी उधार माल नहीं देगा हमें जब तक कि हमारे पोजीशन के बारे में नहीं जान लेगा, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर हमारी मान लो वैसी फाइनेंशियल पोजीशन, मान लीजिए हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वैसी खस्ता है, वैसी कमजोर है, तो कोई हमें उधार नहीं देगा। अगला है लेंडर्स, लेंडर्स की वही बात है, पैसा भी उधार वही देगा जो कि हमारे बिजनेस के बारे में जान लेगा, तो वो भी हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को जानना चाहता है। गवर्नमेंट भी हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को जानना चाहती है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स लगाने होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानना चाहती है, वो भी यूज़ करती है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। अगला आता है लेबर यूनियंस, लेबर यूनियंस क्या, जैसे प्रॉफिट का एक हिस्सा लेबर्स में, वर्कर्स में बोनस के रूप में बांटा जाता है, अब वो प्रॉफिट को जानना चाहेंगे कि भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें प्रॉपर बोनस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सभी हमारे क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। अब हम आगे चलते हैं, टाइप्स और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, अब क्या क्या ब्रांचेज, कोई एक आदमी ऐसा नहीं है सारी अकाउंटिंग को तो जान नहीं सकता, तो इसके कुछ भाग बांट दिए गए हैं। जैसे मेडिकल के नहीं तो डॉक्टर के होते हैं कुछ, उसके अलग अलग ब्रांच होती हैं, आई स्पेशलिस्ट अलग होता है, ENT का अलग होता है, हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है, और हार्ट का डॉक्टर अलग होता है, स्किन का डॉक्टर अलग, इसी तरह से यहाँ पर अकाउंटिंग के भी कुछ ब्रांचेज हैं। तो पहली ब्रांच इसमें क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन जानते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो चीज़ हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट पड़ती है, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं इसमें, तो ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। अगली है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी होती है, उसकी जो पोजिशंस हैं, जो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके आधार पर मैनेजमेंट को कुछ डिसीजन लेने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्च करें या नहीं करें, हम अपने सेल को बढ़ाने के लिए रेट में कमी करें या एडवर्टीजमेंट करें, या अपने कॉस्ट जो हमारे खर्चे को कहाँ से कम किया जा सकता है, ये सारी चीज़ कहाँ से मैनेजमेंट को पता लगती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता लगती है। नेक्स्ट है टैक्स। अब हमें टैक्स भी भरना होता है, क्योंकि जब बिजनेस करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स हमें अपना देना होता है सरकार को, तो टैक्स अकाउंटिंग भी एक अलग एक पार्ट है, इसमें टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, जिसे हम टैक्सेशन कहते हैं। इस तरह से आज हमने पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे शब्द भी आ रहे होंगे जो कि, क्योंकि नए बच्चे हैं, आपने इससे पहले कॉमर्स के बारे में, अकाउंट के बारे में नहीं पढ़ा है, क्योंकि 10वीं तक आप साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स तो पढ़ लेते, लेकिन कॉमर्स के सब्जेक्ट आपके पास में नहीं होते। तो ये आपके लिए सबसे पहली बार आप सुन रहे हैं अकाउंटिंग को, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो कुछ बातें आपकी ऐसी रहेगी जो आपकी क्लियर नहीं है, वो अगले चैप्टर्स में आके क्लियर आपकी होती जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर शब्द आए थे, जर्नल आए थे, लेजर आया था, ट्रायल बैलेंस आए थे, इसमें जो ये शब्द आए हैं इनको हम अगले चैप्टर्स में जब आएंगे तब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी तक आप जितना ये कराया उतना आप करें। बुक्स में हो सकता है कि इससे कुछ ज़्यादा पॉइंट्स भी हों, या कुछ इसमें पॉइंट हमने कुछ अलग नाम दे दिया हो उन जो पॉइंट्स का, तो आप इनको एक बार बुक से भी ज़रूर पढ़ें। फिर भी आपके अगर कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है, कोई डाउट्स रह जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम वहाँ पर भी उन्हें क्लियर करने का आपको प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।